भाई, अक्सर आपको होमवर्क को अपलोड करना होता है तो आप जेपीजी फॉर्मेट में होमवर्क को अपलोड करते हो, तो लेकिन दिक्कतें क्या आती है कि उस जेपीजी फॉर्मेट का जो इमेज है आप व्हाट्सएप पे अपलोड करते हो तो उसके सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, आप पेज नंबर नहीं डालते और टीचर्स को और आपको भी दिक्कतें आती है कि कौन सा पेज पहले आ सकता है, या फिर यू कहा जाए कि आप जो इमेज अपलोड करते हो उनकी जो क्लैरिटी वो भी कम हो जाती है, तो ठीक से क्लियर दिख भी नहीं पाता। तो इससे क्या बेस्ट उपाय है कि आपको आपका अगर जो भी होमवर्क है उसको अपलोड करने के लिए आप कहीं पे भी अपलोड करते हो या फिर ईमेल आईडी पे करते हो या फिर गूगल क्लासरूम में करते हो या फिर व्हाट्सएप पे अपलोड करते हो तो आप उसको पीडीएफ फाइल में अपलोड किया करो, तो बेस्ट वे होता है। तो इसके लिए मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हो किसी भी होमवर्क का। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। पहले तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आप गए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद जैसे कि पहले मैंने डाल दिया है तो आप यहाँ पे क्या डालना है, एडोब स्कैनर डालिए। एडोब स्कैनर डालने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है। पहले मेरा रजिस्टर हो चुका है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, आप वाइट बोर्ड है, फॉर्म है या फिर डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट पे जाके आपको फ़ोटो निकालना है। तो अभी इस बुक का मैं पीडीएफ फाइल बनाऊंगा। देखिए इसको मैं क्या करूंगा, फ़ोटो क्लिक किया मैंने, फ़ोटो क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पहले मुझे क्या करना है, पूरे पेज निकाल लेने हैं, जितने भी पेज रहेंगे सेकंड पेज में डाल रहा हूँ। इसको आप लोग क्रॉप भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अवर। कंटिन्यू करना है, दो पेज ऐड हो चुके हैं, अब ये तीसरा पेज मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखो ये जो पॉइंट दिख रही है एडजस्टेबल है, चलो इसको भी क्लियर किया। इसको भी मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करके ऐड करना है। तीन पेज ऐड हो चुके हैं, ये फोर्थ पेज हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। इसको भी क्लिक करके इसको भी कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर दिया हम लोगों ने इसको भी। अब ये फोर पेज ऐड हो चुके हैं, तो अभी क्या करना है आपको, इस फोर पेज को क्लिक करना है। अभी देखो इसका जो कलर है ना, ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ओरिजिनल कलर में नहीं दिख रहे। तो आपको क्या करना है, जो नीचे का ऑप्शन है ना कलर का, उसको क्लिक करना है और यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिनल में क्लिक करना है। उससे पहले आपको अप्लाई ऑल पेजेस पे क्लिक करना है, इसको क्लिक कर देना है और ओरिजिनल पे जाना है। मतलब जितना भी पेज आपने निकाले उसका क्या होगा, पूरे जो सारे के सारे पेज क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल कलर में आ जाएंगे, आपको ब्लर या फिर कोई भी टेक्स्ट वैनिश नहीं हो जाएगा। तो ये करने के बाद क्या होगा, ये जो चार पेज है देखो, चारों के चारों पेज क्या रहेंगे, आपको क्लियर फॉर्मेट में दिख जाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा, कभी कभी होता है। आप इसकी रिसाइज भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हो, हर एक पेज को टिक करके आप क्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आपको और पेज ऐड करने रहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी आप और पेज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो देखो ये ओरिजिनल में आ चुके हैं सारे के सारे पेज, थोड़ा ब्लर में आ गया क्योंकि फ़ोटो ठीक से नहीं निकाला, तो इसके लिए आप ठीक से फ़ोटो निकाल के अपलोड कर सकते हो। ऊपर देखो आपको दिख रहा है कि एडोब स्कैनर नवंबर 10, 2020, इस पेंसिल को टिक करके आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको टाइटल में डाल दूंगा, 10th standard homework डाल दिया, इसको ओके कर दिया। देखो इसका नाम भी चेंज हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, सेविंग एज PDF। ये जो फाइल है वो PDF में सेव हो रही है, हो चुकी है। तो ऊपर देखो ये फाइल अपलोड हो रही है, आपको शेयर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे भी जाके आप इसको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर अ कॉपी। तो कॉपी आपको उसको शेयर करना है, तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे जिस पर आपको उसको शेयर, इसको क्लिक करके इसको शेयर कर दिया। देखो ये जो 10th standard homework PDF फाइल है जो हम लोगों ने अभी निकाली थी, वो 4 pages की फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी देखते हैं इसको ओपन करके, एक्रोपेट रीडर से हम लोगों ने उसको ओपन करके देखेंगे। देखो एज इट इज जैसा हम लोगों ने अपलोड किया था उसी तरह से ये अपलोड हो चुका है। ये कुछ ईजीएस्ट वे है, फ़ोटो आप अच्छे से क्लियर भी निकाल सकते हो, फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको क्लिक करके आप जितना भी मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकते हो, ये शेयर कॉपी से आप मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकते हो, जितना भी आपको शेयर करना है आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारी शेयर करना है और इस तरह से आपको क्या बनाना है, PDF फाइल बनाना है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे और आगे से जो भी होमवर्क आपको अपलोड करना है तो आप PDF फाइल बना के टीचर्स को अपलोड करोगे। तो दिवाली वेकेशन में आपको यही आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको यही सीखना है कि किस तरह से PDF फाइल बनाना है, किस तरह से उसको अपलोड करना है।